मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। खुशी के साथ है। सारे दिन तो अच्छा है, सारे दिन को परमेश्वर ने तो बनाया है। इस दिन के बारे में इतना क्यों घबराहट है? क्या होगा इस दिन में? इस दिन के बारे में प्रभु क्या कहता है? नाहुम पहला अध्याय की सातवां वचन में परमेश्वर कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता है। यानी संकट के दिन में वो दृढ़गढ़ है, कीला दृढ़गढ़ जो परमेश्वर उसका सुरक्षित के रूप में रखता है। उन दिनों में या सब जगह में देखे राजा लोग सुरक्षित रखते थे। बड़े बड़े दीवार या किला को हम आज भी देख सकते हैं। उन दिनों में राजा लोग शासन करने के वक्त में अपने लोहों को, अपने शहर को बचाने के लिए बड़े बड़े दीवारों को राजा लोग क्या करते थे, चारों तरफ बना देते थे सुरक्षित रखने के लिए, सारे जो है विरोधियों से बचने के लिए चारों तरफ दीवार बना के गढ़ के रूप में रखते थे। वही उन लोगों के लिए सुरक्षा के रूप में रखता था, क्योंकि चारों तरफ का जो बाहरी आने के वक्त में दौड़ के आके उस किला के अंदर आते हैं और कहते हैं, मैं सुरक्षित जगह में यहाँ पर आ गया, अभी कोई खतरा नहीं। अब प्रभु कहता है, विपत्ति के समय मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ, तू इसलिए मेरे पास जो है दौड़ कर आ जाओ, आओ मेरे अंदर आ जाओ। जैसे किला लोहों को बचा कर रखता दृढ़गढ़ के रूप में, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो कहता है, बड़ी दीवार के रूप में मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। क्या उसके पास आए हैं? उनके पास आने से ही सुरक्षा है। जब तक शहर का अंदर है तब तक सुरक्षा है, कोई भी शत्रु आपको छू नहीं सकता है, लेकिन बाहर जाने से खतरा है। यीशु मसीह दृढ़गढ़ के रूप में है, उस गढ़ के अंदर आपको अंदर रहना है। यदि उस सुरक्षा के आत्मे रहेंगे तो इसलिए कोई भी विपत्ति आपके पास नहीं आएगा। परमेश्वर कहता, मैं सहारा के रूप में, गढ़ के रूप में क्यों तुम डरते हो? शत्रु को आने दो, बड़ी सेना के रूप में आने दो, लेकिन तुम्हें छू सकता है, किला को तो वो पार कर सकता है। वो कहता है, तुम क्यों डरते हो? पिताजी तू गढ़ के रूप में रहता है और मुझे सुरक्षित करता है, इसलिए मैं आपको स्तुति करता हूँ। कोई भी शत्रु की युक्तियां, कोई भी शत्रु की हाथ मुझे छू नहीं सकता है, मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है, मुझे सुरक्षा के साथ रखता है। इस प्यार के लिए मैं स्तुति करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।